हॉलीडेज और छुट्टियों के लिए समुद्री इलाकों से बढ़कर पसंदीदा जगह शायद कोई और होगी। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही समुद्री तटों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप अच्छा खासा समय व्यतीत कर सकते हैं। केरल। केरल के अनेकों खूबसूरत समुद्री तट हैं जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केरल एक तटीय राज्य है। केरल के कुछ सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से यहाँ के खूबसूरत समुद्री तट ही है, जिनमें से कोवलम, वर्कला, चोबरा, चौकड़ा, नटिक्का, चेराई, किंझुन्ना, पूवर आदि शामिल है। केरल के तट अनोखे रिजॉर्ट और होटलों से भी भरपूर है, जहाँ यात्री सूर्य स्नान, तैराकी और शानदार नज़ारों को देखकर अपना समय व्यतीत करते हैं। मालदीव्स। मालदीव छुट्टियां मनाने के लिहाज से दुनिया की चुनिंदा और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मालदीव्स के समुद्री तट दुनिया भर के दूसरे बीच या साइड हॉलिडे डेस्टिनेशन के मुकाबले कहीं सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मालदीव्स के द्वीप दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक हैं और यहाँ का पानी भी दुनिया की किसी अन्य जगह के मुकाबले सबसे ज़्यादा साफ रहता है। अंडमान। पर्यटन के मामले में अंडमान एक खास स्थान रहता है, जो अपने समुद्री आकर्षकों के बल पर देश विदेश से सैलानियों को यहां आने के लिए आकर्षित करता है। यहां के समुद्री तट भारत के बाकी तटों की तुलना में काफ़ी खास और रोमांचक माने जाते हैं, जहां प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ वाटर एडवेंचर के शौकीन ज़्यादा आना पसंद करते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध कई ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर बेस्ट वाटर एक्टिविटी का आनंद जी भरकर उठाया जा सकता है। बाली। इंडोनेशिया के बाली से खूबसूरत जगह कोई और नहीं हो सकती। बाली प्रकृति की गोद में समाया हुआ एक ऐसा द्वीप है जहाँ का शांत, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको हर बार अपनी ओर खींचेगा। अनोखी हिंदू संस्कृति, सफ़ेद रेत से सजे समुद्री तटों और नाइट लाइफ के लिए इसे दुनिया भर में जाना जाता है। दिल्ली से बाली की हवाई दूरी 6,800 किलोमीटर है और फ्लाइट से पहुंचने में करीब 8 घंटे का समय लग जाता है। सबसे अहम बात यह है कि बाली जाने के लिए आपको यहां वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ऑन अराइवल वीज़ा आपको मुफ्त में प्राप्त होता है। मॉरिशस। दुनिया के बीच डेस्टिनेशन में जिन जगहों का मुख्य रूप से गिना जाता है उनमें मॉरिशस टॉप पर है। हिंद महासागर के नीले गहरे पानी में स्थित मॉरिशस अनूठा रंग दिखाता है। संस्कृति और स्वाद में जो विविधता यहाँ देखने मिलती है और इसके साथ साथ यहाँ पे गुजारे हजारों पल यादगार बन जाते हैं। इसकी भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि लगभग पूरे साल यहाँ का मौसम लगभग एक सा ही रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। बस दिसंबर से मार्च के बीच में बारिश होती है, इसलिए यह मौसम छोड़कर आप किसी भी मौसम में घूमने जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार और रोचक वीडियोज़ के लिए। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको क्या राय है इस वीडियो को लेकर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उसके पहले यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं।